क्या काम नहीं हुआ आपके? अभी यहाँ ये डीपी वगैरह बिजली के डीपी चली पड़ी है, अभी गर्मी में हम मरे जा रहे हैं, ना कूलर चलते ना पंखे चलते। तो सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ लाइट की है? सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, लाइट के विषय में तो हमारे बच्चे है ना हैरान परेशान। भाई 2400 रुपये में एचडी में और 2700 में नुकसान तो अभी हमारा ही है ना। हेला 300 रुपये घाटा है, वो क्या मालूम मिला क्या नहीं मिला, कोई उम्मीद नहीं है ना मिलने की। मध्य को कोई योजना नहीं मिल रही, किसी का फायदा नहीं। अरे साहब कौन सुन रहे, हम गरीब आदमी की ना बात ये है ना। बिजली तो गाँव रहा कड़ रहा, लेकिन इस बार हम सब लोग किसान लोग ने मिलकर मन बनाया कि पलटवार करेंगे और हम दूसरी पार्टी को देंगे। हेलो नमस्कार, आज हम भोपाल लोकसभा क्षेत्र के भोजपुर ग्राम के पास मेंदुआ ग्राम में हैं। आज हम यहाँ कुछ ग्रामीण जनों से सरकार की योजनाओं और उनसे होने वाले लाभ और उनकी क्या और एक आम सरकार के प्रति धारणा है मतदाताओं की वो जानेंगे। हमारे साथ मेंदुआ ग्राम के पिच मतदाता जुड़ रहे हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेनी प्रसाद। आप इसी गांव के रहने वाले? जी जी। लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ गए हैं जी, आप जानते ही हैं जी। एक आम मतदाता होने के नाते ये पूर्व सरकार थी, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, मेरे काम नहीं कर रहे। संतुष्ट सरकार से है और काम कुछ भी नहीं कर देते यहाँ पे? क्या काम नहीं हुआ आपके? अभी यहाँ ये डीपी वगैरह बिजली के डीपी चली पड़ी है, अभी गर्मी में हम मरे जा रहे हैं, ना कूलर चलते ना पंखे चलते, लाइट की प्रॉब्लम ज्यादा है। लाइट का तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जाकर वो विधायक है वो भी आए और तुम गांव के चले गए, जा भी नहीं जाते, वो तो सीधे सीधे चले जाते हैं इधर उधर। तो सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ लाइट की है? सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, लाइट के विषय में तो हमारे बच्चे है ना हैरान परेशान है, छोटे छोटे बच्चे बीमारियां फैल रही हैं। आप किसान भी हैं? किसान भी हैं। सरकार की योजनाओं से या आपको और एक आम मतदाता को अभी आपको किसानों को सरकार से क्या क्या उम्मीद है? जो नई सरकार अपन चुनेंगे उस सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, किसान क्या चाहता है सर? सरकार से तो बहुत कुछ उम्मीदें हैं, ऐसा नहीं कि उम्मीदें नहीं है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं। जैसे 2700 रुपये उन्होंने विधानसभा के चुनाव में बोला था, तो 2700 रुपये ये उठा ले रहे हैं, लेना चाहिए ना, ये इनकी गलती। चुनाव आचार संहिता भी इसी टाइम लगी है, हाँ हो सकता है वो सरकारी खरीदी अभी बंद हो इसलिए नहीं कर पा रहे हो आप। भाई इसी चक्कर में गेहूँ भी सरकारी उस पर कम जा रहा है, सरकारी सोसाइटी पे बहुत कम जा रहा है, सब मंडी जा रहे हैं। तो मंडी में आपको 2700 का भाव मिल रहा है? मंडी में 2400, 2500, 2600 तक जा रहा है गेहूँ, तो कौन दे रहा है सरकारी कांटे पे? कोई नहीं देगा। सरकारी जो केंद्र बनाए हैं खरीदी के लिए, वहाँ उन्होंने जो घोषणा करी थी 2700 की, उस रेट से खरीदी नहीं हो रही? 2200 की खरीद नहीं, इस भाव से हो रही है 2275। 2275 रुपये 125 रुपये बोनस का है, तो बोनस का हम केस के लिए जी भाई साहब जाओ। आप बताइए क्या भाव बिक रहा है मंडी में? मंडी में वही 2400-2500 चल रही है, और सरकारी केंद्र पर? सरकारी केंद्र पर चल रही है ये तो जो 2700 की जो बात मुख्यमंत्री जी ने और शिवराज सिंह ने जब वर्तमान मुख्यमंत्री से चुनाव से पूर्व उन्होंने कहा था कि हम 2700 रुपये खरीदी करेंगे, तो आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे अपना वादा नहीं निभा पाए? ये 24 में मोदी सरकार आ जाएगी तो बोनस के रूप में बाकी के पैसे बाद में दे देंगे, यूनियन बाई दी याद। वादा तो उन्हें 2700 का भी किया था वो, लेकिन वो वादा तो अभी निभा नहीं पा रहे। अभी इसलिए नहीं निभा पा रहा कि अभी चुनाव का दौर चल रहा है, तो जो उनका रेट है वो ले रहे हैं। लेकिन इससे किसान का तो नुकसान हो रहा है ना, आपको क्या लगता है? ये नुकसान तो है भाई, 2400 रुपये में एचडी में और 2700 में नुकसान तो अभी हमारा ही है ना। है ना, 300 रुपये घाटा है, वो क्या मालूम मिला क्या नहीं मिला, कोई उम्मीद नहीं है ना मिलने की। बाद में आपको कितना उसका सरकार रिटर्न देगी नहीं देगी ये भी अभी अनिश्चित है, कोई गारंटी नहीं। लाइट से संबंधित क्या प्रॉब्लम है आपके यहाँ? लाइट से तो वो यार 4-1 घंटा कटती है लाइट दिन भर, 4 घंटे रोज लाइट, और रात में कटी जाती है 1-2-4 घंटे, और टीपी भी जल जाती है कभी। बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं, रात को जीपी जली हुई पड़ी है, और जहाँ की लाइट की आज 1-1.5 महीना हो गया लाइट आनी, ना कूलर चल रहा ना पंखा चल रहा,
इसी गर्मी में आदमी परेशान तो है, लाइट दे मारे जब कोई देखने वाला अब कोई लाइनमैन से कहें या साथ से कहें तो साहब के ये केबल जल जाती हैं, बस केबल के हमारे पास केबल ही नहीं। आप इसको लेके कोई आंदोलन करें या आपको लगता है कि कोई बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे सरकार आपकी सुनवाई करेगी? चक्कर क्या है, सरकार तो अपनी है, अपन क्या आंदोलन करेंगे? इसलिए अपन सोचते सरकार जब अपनी है तो अपन क्या आंदोलन करें। विधायक जी से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा? विधायक जी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, विधायक जी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। विधायक जी देखते नहीं, आप देखते हो तो मुझे आज ये कर्मचारी लोग फटाफट जीप के जल जल जा क्या बोल रहा विधायक जी, मैं दुबे में आए नहीं दो बार, हाँ तबीयत खराब हो रही थी, चलना कि हो रहा है वो हो रही है, रुपया बना बोलने को फिर से कहे थे कहा आप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी से आपने शिकायत करी? मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने शिकायत केंद्र बनाया आप उस पर शिकायत करी? अरे साहब कौन सुन रहे, हम गरीब आदमी भी ना, बात ये है ना, आप एक मतदाता है, एक मतदाता ही सरकार को चुनता है, आज विधायक का चुनाव भी आप ही के वोट से हुआ है, तो ये आपका हक है उनसे अपने हक मांगना। आपको लगता है कि अभी भी आप इस चुनाव में ऐसा कुछ करेंगे, डिमांड सरकार से रखेंगे कि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, आप उसको उसका निराकरण करें? लाइट के बारे में बोल तो रहे हैं लोग, सभी लोग कह रहे हैं लाइट दे मार रही है, हमारे यहाँ पंखे कूलर नहीं चल रहे हैं, और क्या किया जाओ। इसके अलावा और कोई आपको और कोई समस्या? समस्या नहीं है साहब, बट सर पानी रोड इससे स्कूल बढ़िया, स्कूल भी है, पानी भी है, रोड भी है, बहुत बढ़िया है। गेहूं के रेट में, गेहूं के रेट से लेकर आपको कोई परेशानी हो? अब गेहूं के रेट जो उन्होंने बोला वो काम दे रहा है 2700 रुपये, हाँ वही प्रॉब्लम है किसानों के। इस चुनाव में भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वादा किया था 2700 रुपये गेहूं का, आज किसान को यही शिकायत है कि चुनाव के उपरांत वो रेट उन्हें नहीं दिया जा रहा है। हम अभी और भी किसी लोग और भी किसानों से बात करेंगे इस विषय में। आपको लगता है जो वर्तमान सरकार ने जो भाव 2700 रुपये बोला था वो खरीदी नहीं की जा रही है, तो वादा खिलाफ ही है क्या? नहीं, ये किसान की समय तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कि ये बताओ मध्यम वर्ग को क्या मिल रहा है फायदा? भाई गरीब लोगों को तो आना श्री मिल रहा है, उच्च वर्ग को है उसकी पूंजी है उसके पास नहीं, तो मध्यम को तो फीस रहा है, मध्यम वर्ग तो वो कहाँ से ले पाएगा 2700 रुपये क्विंटल गेहूं? मध्यम वर्ग को भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, जो सरकारी योजनाएं चल रही है उसका किसी को नहीं मिल रहा है, मध्यम को कोई कोई योजना नहीं मिल रही, किसी का फायदा नहीं। भाई मैं अब मैं मध्यम वर्ग में आ रहा हूँ, एक छोटा सा किसान हूँ, मुझे कोई कोई चीज़ की राहत नहीं मिल रही सिवाय 2000 रुपये प्रधानमंत्री की। इसके अलावा आपको किसी भी और योजना का जो आवास योजना प्रधानमंत्री की चलाई गई? नहीं, बहुत कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और जबकि अब मेरी उम्र 60 साल हो गई, मेरे पास तो कमाने वाला कोई है नहीं, मेरे को 5 बेटियाँ लड़का है नहीं, अब मेरा क्या होगा? नहीं, आपकी बेटियों के लिए तो सरकार जैसे कन्यादान योजना चला रही है उसमें शादियों के लिए, या आपको पेंशन योजना का कोई इसका लाभ नहीं मिल रहा है? कोई लाभ नहीं। मुख्यमंत्री ने पेंशन योजना लागू की थी और मुख्यमंत्री साथ प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसी योजनाएं लागू करी हैं जो वो तो अपने को अभी ज्ञात भी नहीं है। नहीं, अभी जो पूर्व में जो सरकारी योजनाओं का घर घर जाके प्रचार किया जा रहा था उसमें आपके शहर के आपके विधायक या आपके नगर पंचायत या पंचायत स्तर पर आपको इसकी जानकारी नहीं दी? पंचायत वाले बताते नहीं, पंचायत वाले को इसकी बात बताते नहीं, तो ये सिर्फ आप ही को नहीं पता है कि पूरे गांव में या पूरे जिला पंचायत पंचायत स्तर पे आपके इस योजनाओं का किसी को जानकारी नहीं दी जा रही है? नहीं, जानकारी तो मेरे को ये आइडिया तो नहीं कि गांव में किसी को जानकारी हो जा रही हो, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है। जैसा कि अभी आपने सुना कि इनको पंचायत स्तर पे किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं दी गई है, एक पेंशन योजना का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, और किसी भी प्रकार से आर्थिक स्थिति उनकी खराब है, 5 बेटियां हैं, और सरकार से उनकी यही डिमांड है कि एक आम मध्यम वर्गीय व्यक्ति को भी उसका लाभ मिले, उसके लिए भी कुछ ऐसी योजनाएं चलाई जाए कि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपनी आजीविका चला सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मैं अभी यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करूंगा। आपको लगता है कि यह पंचायत स्तर पर किसी योजनाओं के बारे में नहीं बताया गया है? हाँ, मैं योजना तो काफ़ी चल रही है सरकार की, कागजों में तो बहुत चल रही है, लेकिन यहाँ पे जैसे अन्य अन्य योजना जो चल रही है उसमें जो आपको क्या कुछ अनाज मिलता है कैसे? नहीं, अभी नहीं मिलता। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानते हैं? जी, फॉर्म डाला है लेकिन मुझे लगता नहीं आएगा। किस उसमें डाला है आपने? किस उसमें डाला? मैंने दर्जी को उसमें डाला। दर्जी को उसमें डाला है,
उसके अलावा और भी योजनाएं हैं जो उनकी मुख्य प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है, नल जल योजना है, इसके अलावा आवास योजना है, इसमें किसी योजना का आपको लाभ मिला? अभी तक तो नहीं। आपके गांव में आपको ऐसा कुछ ज्ञात हो कि आपके आसपास में किसी को आवास योजना का या किसी योजना का लाभ मिल रहा हो? अभी पहले मिला था जो इंदिरा आवास योजना थी वो पिछले टाइम में, लेकिन इंदिरा आवास योजना अभी जो प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना चलाई थी कि हर परिवार को 2.5 लाख रुपए परिवार को मकान बनाने के लिए दिया जाएगा, आपके गांव में कुछ ऐसे मकान बने या ऐसे लोग आपके पहचान में? नहीं नहीं, प्रचार तो हुआ है लेकिन बना नहीं है यहाँ पर। पंचायत जैसे आपके गांव में ऐसा कोई इसका हकदार नहीं, दावेदार नहीं मिल रहा? नहीं मिला, कोई भी नहीं। आप ऑर्डर नहीं आई भैया मेरी? अच्छा, तो आपने पात्रता का फॉर्म भरा था, उसकी जानकारी आप पंचायत जैसे मालूम करें कि आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुआ या क्या कारण से उन्हें अभी तक आपको? ये वो तो जाता है और कहते हैं कि रिजेक्ट मेजेक्ट नहीं हुआ, आएगी बस ये बोल देते हैं, अभी तक नहीं है। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे पंचायत स्तर पे भी किसी भी योजना का लाभ या आम मजदूर को, आम किसान को, आम वर्ग को नहीं मिल पा रहा है, उन्हें पंचायत स्तर पर इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती है कि किस प्रकार की मुख्यमंत्री या मध्य प्रदेश शासन या केंद्रीय सरकार की कोई योजना यहाँ चलाई जा रही है। जैसे कि आपको खाद और बीज से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती हो, खाद मिलने में या बीज में? खाद बीज तो मिल जाता है पर्याप्त बस, लेकिन जो रेट बोला था गवर्नमेंट ने 2700 रुपये, उससे सरकार अपनी बात से मुकर रही है, इसलिए किसान सभी दुखी है और नाराज है। हो सके तो ये, वैसे तो हम अभी तक बीजेपी में वोट डालते आए और बीजेपी तो गाँव रहा कण रहा, लेकिन इस बार हम सब लोग किसान लोग ने मिलकर मन बनाया कि पलटवार करेंगे और हम दूसरी पार्टी को देखें। आपको लगता है कि अगर आप किसी दूसरे पार्टी को या दूसरे दल को वोट देंगे तो वो आपकी शिकायत बहुत जल्दी सुनेंगे या आपके उसके वोट का आपका आपका परिणाम दिखेगा उन? अब विकल्प है, करके तो देखेंगे चेंज। अब ये पार्टी नहीं दे रही साथ तो चेंज करके देखने में क्या जा रहा है, ये नहीं दे रही, हो सकता है वो हमारी मांग सुने, किसानों की सुने। बहुत दिक्कत आती है किसानी, और ये बिजली की तार है यहाँ पे, लाइट तो रहती है लेकिन ये केबल इतनी बेकार है, सड़ी केबल लगा दी ठेकेदारों को, ये सब दिया पैसे लिए दिए, मतलब हर रोज 2-3 बार गांव के लोग ही जोड़ते हैं, लाइट चली जाती है। जैसे कि लाइट के विषय में बता रहे हैं कि यहाँ पर केबल बार बार जल जाती हैं और अधिकारियों का या विद्युत विभाग का दल बहुत बार बार आके उनको रिपेयर नहीं करता है और बहुत मुश्किल होती है, गांव के लोगों को ही रिपेयर करना पड़ता है और वो लोग बिजली संबंधी प्रॉब्लम भी परेशानियों से जूझ रहे हैं। पूर्व सरकार द्वारा चुनाव विधानसभा चुनाव के दौरान उनसे जो वायदा किया गया था गेहूं के रेट का, वो भी नहीं निभाया गया है और एक आम मतदाता में भारी रोष है और वो इस चुनाव में पार्टी विशेष का बहिष्कार करने की योजना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अगर इस टाइप से आप बहिष्कार करेंगे तो सरकार आपकी सुनेगी? अगर आप चुनाव में अगर वर्तमान सरकार का ये बात बीजेपी का बहिष्कार करेंगे तो आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग मान लेगी? अरे क्या पन्ना साहब, कौन सुन रहे हैं, गरीब आदमी जी हम लोगों के साहब, आप पर रही, आपको क्या लगता है? बिल्कुल दूसरी कोई पार्टी आती है तो बराबर सुनेगी? ऐसा मतदाताओं ने विचार बनाया है कि दूसरी सरकार को चुना जाए, कम से कम 700 करेगी ये लाइट के विषय में, या जो गेहूँ का 2700 रुपये बोला है उसके विषय में विचार तो बनाएगी। जो दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया था, किसान आंदोलन हो रहा था, आपको लगता है कि वो फिर जायज था? बिल्कुल जायज नहीं था, वो सही था, वो आंदोलन जो किया था वो सही था बिल्कुल एकदम। किसानों की मांगे, सरकार कहती है कि हमने किसानों की सभी मांगे स्वीकार कर ली है, कुछ मांगों पर विचार किया जा रहा है, किस तरह से लगता है आपको कि सरकार आपके वायदे निभाएगी? देखो साहब, ये सरकार का काम है, सरकार कैसे वादा निभाती है, अभी तक तो कुछ भी नहीं निभाया। वर्तमान मुख्यमंत्री जी से आपने कोई आवेदन दिया है इस बारे में या सरकार को कोई आवेदन, जिससे कि हमारे से आवेदन तो नहीं दिया, जबकि यहाँ के विधायक साहब सुरेंद्र पटवारी है तो उनको चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कुछ काम करें, हमारे क्षेत्र की जनता क्या दुखे, क्या प्रॉब्लम है, समस्या उनके ऊपर निर्वाचित। यहाँ वर्तमान में किसान वर्ग को वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान विधायक से भी शिकायतें हैं कि उन्होंने सरकारी वायदों में जो चुनाव पूर्व वायदे किए थे उसमें से कोई भी वायदे नहीं निभाए हैं, तो आम जनमानस में भारी रोष है और आम जनमानस इस चुनाव में अपना मत दूसरे दल को या दूसरी सरकार चुनने के लिए कोशिश करने की बात कर रहा है। हमारे साथ बने रहिए, कैमरामैन लखन लक्ष्मण के साथ मैं अमित आरण, ग्राम मंडोई,
भोजपुर आज